आदाब, केम छो, सस्रियाकाल। केएनएन न्यूज़ के चटोरी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ भारती व्यास। आपको आज इस चर्चा में ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो इंदौर शहर चटोरी चर्चाओं में बहुत फेमस है, लेकिन मैं इस वक्त ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ पर सैंडविच का शहंशाह रहता है, यानी कि विजयश्री सैंडविच। आइए चलते हैं यहाँ पे, लोगों से जानते हैं कि उनको क्या कितना अच्छा लगता है यहाँ के सैंडविचेस। हेलो, क्या नाम है आपका? जयेश। ओके जयेश, आप कितने टाइम से यहाँ आ रहे हो और आपको कैसा लगता है यहाँ के सैंडविचेस? लगभग 2-2.5 साल हो गए यहीं पे आ रहा हूँ मैं। कौन सा क्या फेवरेट है आपका, कौन सा? बॉम्बे कच्चा चीज। बॉम्बे कच्चा चीज, अच्छा, थैंक यू सो मच। और बाकी और आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी बोलिए कि सबसे फेवरेट जगह है तो यही है, सबसे बेस्ट सैंडविच है तो यहीं का है, इसीलिए प्लीज़ विजिट करिए। भैया, बाहर से भी यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं। आइए मैम से जानते हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? सैनबा। अच्छा, यहाँ का सैंडविच कैसा लगता है और कौन सा आपका फेवरेट सैंडविच? मसाला सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, हर बार आती हूँ, हर बार खाती हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम। देखा आपने बाहर से भी मतलब कहाँ कहाँ तक पहुँच है विजयश्री सैंडविच की। चलिए हम आगे चलते हैं और कस्टमर से जानते हैं यहाँ के चटपटे स्वाद के बारे में। हेलो, आपका नाम? प्रवीण मिसोलिया। अच्छा प्रवीण जी, बताइए आपको कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? यहाँ का टेस्ट एक नंबर है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पर 2-3 साल से आ रहा हूँ, एक नंबर यहाँ पर, मतलब इतना अच्छा फास्ट फूड मिलता है कि उसका जवाब भी नहीं। अच्छा, बाकी सैंडविचेस तो चलो ठीक है, नॉर्मल रहते हैं। आपका फेवरेट सैंडविच कौन सा है? मेरा पिज़्ज़ा है और वगैरह है, मसाला पिज़्ज़ा। वो मसाला पिज़्ज़ा सैंडविच, अच्छा, उसकी कुछ और खासियत? बस यही है और। आपका क्या फेवरेट है? कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, हाँ भैया, सैंडविच की दुकान है फिर भी कोल्ड कॉफ़ी भी अच्छी मिलती है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ के मालिक से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ के सैंडविचेस के बारे में। इस वक्त हम लोग मौजूद है विजयश्री सैंडविच के पास। यहाँ के जो मालिक हैं सुरेश प्रजापत जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या खासियत है इस सैंडविच की? सैंडविच की यही खासियत है कि जैसे अपने इंदौर के लोग जैसा पसंद करते हैं, चटपटा टेस्ट पसंद करते हैं, उसी हिसाब से हमने डेवलप किया। जैसे कि हमारे यहाँ मसाला सैंडविच जो बेसिक सैंडविच है, जो हम शुरुआत मसाला सैंडविच से हुई, और जैसे जैसे इंदौर के लोगों की डिमांड जैसे बढ़ती गई, जैसे चीज़ सैंडविच, चीज़ क्लब सैंडविच, मैक्सिकन सैंडविच, पिज़्ज़ा, जूस, शेक, सब कुछ बनाने लगे हम। वैसे शुरुआत एक छोटी सी थी, अब बहुत बड़ी मेरे पास सैंडविचों की लिस्ट है। अच्छा। जो सब कुछ मैं बनाता हूँ। कहाँ कहाँ पर आपकी ब्रांचेस चल रही हैं? अभी मेरी मेन ब्रांच जो है जेल रोड पर है, उसके बाद सेकंड जो मैं अभी जहाँ से बात कर रहे हैं विजयनगर, स्कीम नंबर 54 पे हैं, और एक हमारे मंदसौर में है हमारी ब्रांच, और एक नागपुर में है। अरे वाह, मतलब महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी पहल करी है इन्होंने। मुझे कुछ इन दोनों में से कुछ जो आपका फेवरेट है वो चखवाइए। मैं चखूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या बेस्ट है। नहीं, ये जैसे कि चीज़ क्लब सैंडविच है जी। इसका है कि वेजिटेबल बहुत सारे रहते हैं इसमें, और चीज़ ऊपर से ग्रेट करा हुआ है, अंदर भी चीज़ का फील है। अब इसको टेस्ट करिए आप। चलिए मैं टेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा हम खा के देखते हैं इसको। काफ़ी अच्छा है। गाइज, आइए और विजिट करिए क्योंकि विजयश्री सैंडविच पे सैंडविचेस के राजा कहा जाता है, और बहुत 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 बेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। प्लीज़ आइए और विजिट करिए और चख के देखिए ये चटपटी सैंडविच। भैया, सैंडविच तो हमने चख लिया, अब इसका राज भी पूछ लेते हैं। इतने सारे सैंडविचेस, सर इसका राज क्या है? मैम, एक्चुअली सैंडविच जैसे बेसिक सैंडविच मैंने जैसे बताया, मसाला सैंडविच से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद लोग जो इंदौर के खाने वाले हैं, बहुत ही जो वो लोग हैं वो बता देते हैं कि इस टाइप से मुझे और वैरायटी चाहिए, उसमें कोई चीज़ डालना है, किसी में पनीर डालना है, उन लोगों से ही हमने सीख लिया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कहीं बाहर जाता हूँ इंदौर से या कोई सी भी सिटी में जाता हूँ, तो सबसे पहले सैंडविच की दुकान ढूँढता हूँ वहाँ, और वहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ वहाँ का टेस्ट क्या है, वो देखने के बाद अपने हिसाब से मैं यहाँ डेवलप करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं प्रेजेंट करता हूँ कि भाई ये कुछ नया सैंडविच आया। ऐसे घूमने के बाद काफ़ी सारे सैंडविच मैंने इकट्ठे कर लिए, जहाँ जाता हूँ सैंडविच की दुकान पहले ढूँढता हूँ, वहाँ से आइडियाज़ आते हैं कि भाई यहाँ इस जैसे कि महाराष्ट्र में इस टाइप से बनाते हैं, उसको इंदौर में किस हिसाब से प्रेजेंट करना है अपने को, उस हिसाब से टेस्ट और अलग अलग जगहों का टेस्ट। हाँ हाँ, अलग अलग जगह समेट के बिल्कुल एक टेस्ट दिया जाता है उसको। हाँ, वो सही है, इंदौर के हिसाब से अपन टेस्ट डेवलप करके फिर
हमने प्रेजेंट करते हैं तो उसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं इंदौर वाले, और इंदौर वाले मस्ती वाले लोग हैं सब, और कुछ भी उनको टेस्ट अच्छा बेटर होना चाहिए वो बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छे से चलता है। बहुत अच्छी चीज़ है सर, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये टेस्ट और बढ़ता रहे और लोगों को लुभाता रहे। दोस्तों अब मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो भूख लग रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी है। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा के साथ, नई चटपटी चर्चा के साथ, चटोरी चर्चा के साथ।